अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? मैं हूँ आपके दोस्त मुगीस। अच्छा, तो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं आसिया यासर, आई थिंक उनका यही नाम है। तो उन्होंने जो है मुझे कहा था कि गीत पर वीडियो बनाओ, तो गीत से रिलेटेड। तो मतलब जो है ऐसी कोई इतनी मतलब अब सीज़न इनका गुजर चुका है, और मतलब अब ये नेक्स्ट साल जो मतलब अगला साल आएगा उसमें जो है ब्रीड करेंगी, एग वगैरह देंगी और ये चीज़। तो एक तो ये हो गया, और जो है मतलब गीज़ की अपडेट ये देता हूँ कि जो है आप इस तरह मतलब कि इन्होंने जो है ये मस्करी के बच्चे निकाले में, ये देखें ये गीज़ के साथ ही फिर रहे हैं। ये रहे कुछ बच्चे, ये तकरीबन जो है 12 बच्चे निकले हैं इनके, तो जिनमें से जो है 4 जो है पाइड हैं, ब्लैक वाले, और मतलब उस तरह के वाइट और ब्लैक मिक्स, और जो है बाकी जो 8 बच्चे हैं वो वाइट के हैं। तो ये चीज़ हो गई एक। और दूसरी एक और चीज़ के जो है मतलब ये अच्छे से केयर कर रही हैं, इनको साथ घुमा रही हैं, खिला पिला रही हैं, और मतलब सारा कुछ सिस्टम जो है ठीक हो रहा है। तो इस वजह से जो है मुझे मतलब कोई मसला नहीं आ रहा कि जो है इन्होंने बच्चे निकाले हों, फिर बच्चों को मारा हो, या कुछ मतलब बच्चे इनके साथ ना घूम रहे हों, तो ऐसा जो है कुछ भी सीन नहीं देखने को आया। मतलब ये मज़े से बच्चों को जो है घुमा रही हैं। ये देखें, ये मम्मा है इनकी, तो ये बच्चों को घुमा रही है इस तरह, और बच्चे भी इनके बुलाने पर वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे मतलब मस्करी के साथ अगर ये निकलते तो वैसे करते हैं। तो ये जो है डैडी हैं इनके, तो ये जो है खड़ा रहता है यहाँ पे मेल जो है, और मतलब इनको देखता रहता है किसी भी चीज़ को। कोई रैबिट आएगा उछलते हुए कुछ करते हुए, तो मतलब उसको भी ये काटेंगे और दूर भगाएंगे। और जो मज़े की बात है, मैं इनकी तरफ से बिल्कुल बेगाम हूँ, मतलब कोई भी मसला नहीं। मतलब ये चीज़ के जो है मुझे मतलब ये प्रॉब्लम नहीं होता कि अब डर हो कि बिल्ली ले जाएगी या कुछ होगा या इस तरह का कोई सिस्टम, क्योंकि ये जो है इतनी केयर करते हैं बच्चों की कि जो है बस बिल्कुल बगैर। मेरे पास उस तरफ जो मस्के हुए बच्चे निकले हैं, मैं वो भी सोच रहा हूँ कि वो भी इनके साथ मिला दूँ, तो जो है मतलब बिल्कुल बेगम हो जाऊँ कि मतलब खुद ही बड़े होते रहेंगे और कोई भी वो जो है मसला नहीं बनेगा। तो ये चीज़, और ये देखें इस तरफ पानी आया। अच्छा, मैं उधर जाके तो फिर आपको कवर करके दिखाता हूँ। तो ये देखें सारा पानी जो है मैं यहाँ पे शाम को वो कर देता हूँ, वहाँ से जो टंकी ऊपर, ये देखें यहाँ पे टंकी लगी हुई है, तो ये जो पानी भरता है यहाँ से वो भी जो है गिर के इधर ही मतलब वो हो जाता है, फिर खुश्क हो जाता है। वैसे भी गर्मी है तो जल्दी खुश्क हो जाता है, कोई इतनी देर नहीं लगती। तो ये चीज़ जो है मतलब मुझे कोई मसला नहीं बनता कि को जो है ये खुद ब खुद बड़े होते जा रहे हैं, खुले हैं। मैंने इनको आज तक जो है बंद नहीं किया अलग, और जो है कुछ भी नहीं किया। मतलब खुद ही अंदर जाके अगर बैठना होता है तो अंदर बैठ जाते हैं, बाहर बैठना होता है तो बाहर बैठे रहते हैं। तो माँ बाप जो है सही से केयर कर रहे हैं। ये मेल है, और ये देखें ये टुकड़े वगैरह मैंने डाले में इस तरह घोस के, मतलब रैबिट भी खाते रहते हैं, ये भी खाते रहते हैं, पर ये होता है कि बीच में पाँव मार के गंदे कर देते हैं, और मतलब ये चीज़। बाकी जो है टुकड़े खाते हैं, या चोकर गीला करके देता हूँ वो खाते हैं ये बच्चे। और ये बड़ा जोड़ा जो गीज़ का, ये जो है चोकर नहीं खाता क्योंकि याद ही नहीं हुआ वह। बाकी जो है अगर आप ये रोटी के भोरे वगैरह बना के दोगे इसको, या फिर जो है गीली रोटी दोगे तो वो शौक से खाता है मतलब, लेकिन टुकड़े चोकर नहीं खाता। तो ये एक चीज़। तो बच्चों के मामले में मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि जो है बच्चों की अच्छे से केयर करते हैं, कोई भी मुझे जो है वो मसला नहीं हुआ। और इसलिए रखे हुए हैं। कुछ लोग मतलब जो है कह रहे होते हैं कि ये पे अगर आपने सेल करना है तो हमें दे दें, लेकिन जो है मैं इसलिए सेल नहीं कर रहा क्योंकि मतलब इस तरफ से बेगाम हूँ, अगर ये मैं सेल कर दूँगा पैर तो ये बच्चे फिर आगे पीछे वो होते रहेंगे, फिर बिल्लियों का डर ये वो, तो मतलब मसले बनते हैं। तो इसलिए जो है मैं सेल नहीं करता ये वाला पैर, तो रखा हुआ है, फिर बाद में देखेंगे बच्चे बड़े हो गए तो फिर किसी ने लेना हुआ तो फिर दे दूँगा। अच्छा, तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद जो है गीज़ पर जो है ये बात के जो है ये सीज़न के हिसाब से अंडे देती हैं। सीज़न में मतलब कि ये जो है नवंबर से इनका सीज़न स्टार्ट हो जाता है, कुछ जो हैं वो मतलब नवंबर में स्टार्ट कर देंगी, कोई दिसंबर में देंगी, तो मतलब आते आते ये जो है मई तक रहता है। मई से पहले पहले अप्रैल, मतलब अब मई के सेंटर तक आता है तो जो है क्या नाम है, बस मई में खा के ख़त्म हो जाता है। तो उसमें ये एग देती हैं, उसमें जो है ये मतलब एग देंगी, फिर जो है बीच में कुछ दिन रेस्ट करेंगी, फिर दोबारा से एग देंगी। तो मतलब वो बीच में जो एक हफ़्ते का गैप होता है उसी में सारे अंडे कवर करती है। बीच में आप ये आप देख रहे होंगे तो कोई लोग मुझे कहेंगे कि सफाई का ख्याल रखो, तो ये गंदा हुआ पड़ा है, गर्मी ज़्यादा है जिसकी वजह से जो है मैं जब भी इसको इकट्ठा करता हूँ तो ये मुर्गियाँ वगैरह आके यहाँ पे जो है बिखेर देती हैं, और जो है टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि जो है और काम उससे कि ये गंद बाहर फेंक के आऊँ। तो इसके लिए माजरत, ये मैं जल्दी फेंक आऊँगा गंद बाहर। अच्छा, तो
ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको डालता हूँ तो रैबिट से अलग करके डालता हूँ, तो ये चीज़। और अच्छा, बात कर रहे थे कि जो है मतलब नवंबर से लेकर मई में और या अप्रैल तक जो है एग का इनका सीज़न होता है, उस तक ये जो है अंडे देती हैं। और ये साल में एक ही दफ़ा अंडे देती हैं, इस तरह मतलब नहीं होता कि एक दफ़ा दिया फिर कुड़ों को होगी, बच्चे निकाले फिर दोबारा से एग पे आ गई, तो इस तरह का सिस्टम नहीं होता। तो कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि मतलब इनका सीज़न क्या होता है और मतलब कैसे अंडे देती हैं, पहले दिए हैं अब नहीं दे रही, तो ये एक दफ़ा देती हैं फिर पूरा साल इनका रेस्ट होगा, फिर मोल्टिंग शुरू हो जाएगी, इनकी पर गिरेंगे, नए पर निकलेंगे, फिर इतना जो है जो पहले वाले बच्चे निकले हुए होते हैं उनको घुमाते घुमाते वो भी इनके साथ बराबर हो जाते हैं, और फिर जो है ये फिर इतना मौसम दोबारा फिर नवंबर दिसंबर आ जाता है, तो फिर ये जो है क्रॉस होना शुरू हो जाएंगे और फिर से एग देना स्टार्ट कर देंगे। वैसे जब सीज़न नहीं होता तो ये क्रॉस नहीं होते। और एक और भाई हैं, मुझे आज ही उनका कमेंट एक मैंने पढ़ा था, तो उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनके लिए, उसके लिए सॉरी। तो वो जो है उनका ये सवाल था कि जो है मतलब अंडे दिए एक ही दफ़ा और फिर उसके बाद जो है बिल्कुल ही मतलब अब नहीं दे रही, तो फिर उनसे मैंने यही कहा था कि जो है एक साल में एक दफ़ा देती हूँ। दूसरा उनका सवाल था कि ये जो मेटिंग करते हैं तो क्या जो ज़मीन पे मेटिंग करते हैं तो वो जो है उससे मतलब अंडे फर्टाइल होते हैं इनके या नहीं होते, या क्या वो होता है, तो या फिर पानी ज़रूरी है इनकी मेटिंग के लिए, क्योंकि उनको किसी ने कहा है कि जो है पानी में जो मेटिंग करते हैं उससे जो है अंडे फर्टाइल होते हैं इनके, एग वैसे जो है अंडे ख़राब हो जाते हैं, मतलब उनमें तो बच्चे निकलते हैं। तो ये बात जो है अभी किसी हद तक ठीक भी है और किसी हद तक ठीक नहीं भी है। अब ये देख लें कि मेरे पास ये पेयर है तो इसने जो है मेटिंग वगैरह की इस दफ़ा, और इसके जो है एक भी अंडे में से बच्चा नहीं निकला। ऐसा है कि अंडे में अंदर बच्चे बने ही नहीं हैं, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि एक तो चलो ये होगी कि अंडे के अंदर बच्चे बने ही नहीं, और मेरे पास जो पहले पेयर था इससे पहले, ये तो दूसरा पेयर है जो मैं मिल से लेकर आया था, आटे वाली फ्लोर मिल से। अच्छा, तो आटे वाली फ्लोर नहीं, फ्लोर मिल से, तो उधर से लेकर आया था। फिर उसके बाद जो है वो जो पहले वाला पेयर था उसने जो है मतलब वो भी सेम इसी तरह जो है मेटिंग करते थे ऐसे ही ज़मीन पर, पानी में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा कि वो मेटिंग कर रहे हों ये कुछ इस तरह का। तो उन्होंने जो है मैंने उनके इससे नीचे अंडे रखे थे तो उनके जो है बच्चे निकले हैं। तो जो है मेरे ख्याल में तो ये बात इतनी दुरुस्त नहीं है कि जो है पानी में मेटिंग करेंगे तो बच्चे निकलेंगे, पानी में नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं निकलेंगे, तो ऐसा जो है कुछ नहीं है। वैसे भी अगर ये मेटिंग करेंगे तो भी इनके बच्चे जो है निकलेंगे, ठीक हो गया। तो ये एक चीज़ है और जो है बस इनका ये सिस्टम है। और वैसे कई लोग होते हैं शौक के तौर पे, अगर आपको पसंद है तो ये आप रख सकते हैं, वैसे किसी लिहाज से आप अगर इनकी फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो लिहाज से ये मेरे ख्याल में तो बेहतर नहीं है। मैं तो ये आइडिया नहीं दूंगा कि ये जो है बेहतर हैं या मतलब फार्मिंग कर की जा सकती, क्योंकि साल में एक दफ़ा अंडे देते हैं, पूरा साल आपने इनको खिलाना है और फिर जाके ये साल में जो है एक दफ़ा अंडे देंगे और बस बच्चे निकालेंगे। तो वो भी कितने अंडे देती हैं, 10-12, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 15, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी केयर वगैरह करें तो 18-20 तक वो होता है, लेकिन 12 तक देती हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो होती हैं, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं देती। अब इस फीमेल ने भी जब 12 अंडे दिए थे जो कि जो है सारे अनफर्टाइल हो गए, मतलब कोई बच्चा भी नहीं निकला। तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि जो है मैंने बहुत उस तरह से रखे हुए हैं या मतलब ये चीज़ है या कुछ, मतलब नॉर्मल तरीके से यही कोशिश होती है कि उनको बेहतर से बेहतर चीज़ दूँ, विटामिन वगैरह जो जो कुछ भी होता है वो दूँ, तो वो जो है मतलब ब्रीड करें या कुछ। और ऐसा भी नहीं कहूँगा कि मतलब अच्छा अच्छा बताता रहूँ, जो चीज़ बुरी है वो बताऊँ नहीं ये क्या है, तो मतलब अंडों में से बच्चे भाई नहीं निकले और ये चीज़ हुआ, या तो फिर ये अनफर्टाइल है जोड़ा, या फिर जो है कुछ और मसला हुआ है। और उन दिनों में जिन दिनों में इन्होंने अंडे दिए हुए थे, बच्चे इनके निकल अंडों पे बिठाए, उस दिनों में खुश्क हवाएं चली थी उन दिनों में, और मतलब मौसम जो है बहुत खुश्क हुआ हुआ था, और मतलब सही से वो जो है बच्चे हैच नहीं हुए, तो इस वजह से जो है मे भी जो है अंडों के अंदर बच्चे नहीं बने और वो चीज़ हुई है। तो इसलिए क्या क्या कहा जा सकता है, अब नेक्स्ट सीज़न जब आएगा तब पता चलेगा कि क्या वजह है, वाकया में ऐसा हुआ है या गलती थी कोई उस वजह से ऐसा हो गया, या जोड़ा ही अनफर्टाइल है। तो नेक्स्ट सीज़न से पहले मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में कि क्या मसला था और क्या हुआ है, ठीक हो गया। तो यही कुछ है बस आपके सामने है गीज़ का, तो गीज़ का इतना लंबा चक्कर नहीं होता। हाँ जो है जैसे सेम आप जो है और परिंदों को विटामिन वगैरह मिनरल देते हैं वही गीज़ को भी दे सकते हैं, ताकि जो है ये कमज़ोर ना हो, अंडे वगैरह देती रहे और मतलब सेहतमंद रहे। तो पहले जो है इसने बच्चे वगैरह जब निकाले तो बहुत कमज़ोर हो गई थी, हल्की फुल्की हो गई थी, अब दोबारा से जो है इसका वेट ज़्यादा होता जा रहा है, अभी इनके कुछ पर गिरते जा रहे हैं, अभी इनकी मोल्टिंग स्टार्ट हो रही है, थोड़ी देर पर इस मेल के देखें गिर चुके हैं,
उस फीमेल की भी ऐसा जो है गिरने वाला मतलब सीज़न जो है ना, मतलब उस तरह का जब बच्चे निकलते हैं बच्चों के बाद ही फिर इनके पार गिरते हैं, फिर जो है मतलब ऐसा ऐसा गिरने लग जाएंगे, फिर ये फ्लाइंग फीदर जो है बिल्कुल गिर जाएंगे, मतलब ऐसे गंजी गंजी से लगेंगी, फिर उसके बाद से भी नए पार निकलते हैं फिर बिल्कुल शफाफ और साफ़ सुथरे और सिल्की से हो जाते हैं इनके पार, तो फिर ये सनसेट लगाती हैं तो फिर सिल्की हो जाते हैं। तो ये रे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं मज़े से अल्लाह का शुक्र। तो दूसरे उस तरफ जो है मैंने दूसरी मस्कफ से निकलवाए में वो कुछ दो बैठी हुई हैं, वो फिर बाद में बच्चे निकालेंगी, कुछ इधर तैरते रहते हैं, मतलब यहाँ पे पानी रोज़ मैं ताज़ा कर देता हूँ, आजकल गर्मी होती है दिन को गर्म हो जाता है, फिर शाम को फिर दोबारा से ताज़ा कर देता हूँ ताकि पानी ठंडा हो और कोई मसला ना हो। ठीक है, तो ये एक जगह पे खड़े नहीं होते कि जो है कवर किए, ये बस घूमते रहते हैं हर वक्त, तो ये चीज़ है। तो आई होप कि जो है आसिया यासिर आपको जो है मतलब वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो उसके लिए माजरत, और आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो ये एक अपडेट देनी थी, और जो है कुछ लोग जो पूछ रहे थे कि मस्कवई के बच्चे जो गीज़ के साथ हैं उनकी अपडेट दे दें तो क्या चल रहा है, तो ये देखें बच्चे जो है निकल रहे हैं और ये घूम रहे हैं, ये तकरीबन जो है अभी एक मंथ के नहीं हुए बस होने वाले हैं, तो फिर जो है जिन भाइयों को मैंने कहा है कि मैं उनको दूँगा ये बच्चे, तो फिर रेडी हो जाएंगे सेल के लिए। तो अभी भी जो है कुछ इनका होता जा रहा है, मेल फीमेल का जो है अंदाजे से मतलब उतना कंफर्म नहीं, लेकिन गैस होता जा रहा है कि कौन सा मेल होगा कौन सी फीमेल होगी, तो ये चीज़। और एक और बात जाते जाते मुझे याद आ रही है कि कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि इसमें गीज़ में जो है मेल फीमेल का कैसे पता चलता है, तो गीज़ का ये होता है कि ये मेल के सर पे जो है ये बॉल आती है और फीमेल के सर पे जो है बॉल नहीं होती, अगर होती भी है किसी फीमेल के सर पे तो छोटी होती है मेल की नस्बत। तो ये देखें मेल के सर पे बॉल है, ये अब खड़े नहीं होंगे कि मैं आपको सही दिखा सकूं, और इसके सर पे देखें उस तरह नहीं है, ये देखें इसकी हल्की सी है उस तरह नहीं है, और ये मेल को अब देखें इसके सर पे ये खड़ा होगा तो आपको दिखाऊंगा ना भाई, इनके इतने नखरे हैं, ये देखें उस तरह बड़ी सी जगह और मतलब माथे पर जो है बॉल सी है, ये देखें तो ये चीज़ है एक। तो मेल फीमेल कैसे पता चलता है, और बच्चों में कुछ लोग पूछ रहे थे कि बच्चों में कैसे पता चलता है मेल फीमेल का, तो बच्चों में ये सिस्टम होता है कि जो है बच्चों में इतना पता मस्करी का फिर पता चल जाता है कुछ टाइम में, लेकिन जो है गीज़ का बच्चों में पता चलाना नहीं समझ आती कि क्या सिस्टम है, क्योंकि वो जो है बिल्कुल साइज में देखिए मेल फीमेल एक ही जैसे होते हैं, ज़रा सा फ़र्क होता है, तो उसमें बच्चों में नहीं पता चलता कि मेल कौन सी फीमेल कौन सी है, तो इसलिए जो है बच्चों को रख कर ही जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनके मतलब अंदाज से, उनके चलने के स्टाइल से, उनके खड़े होने के अंदाज से, उनके स्टांस से, मतलब उन चीज़ों से पता लगाया जा सकता है कि जो है मेल कौन सा है फीमेल कौन सी है, ऐसे जो है आवाज़ से या मतलब जो है उनकी टेल से या कुछ तरह, मतलब उनकी टेल और पार और मतलब सब कुछ सेम होता है, तो फिर बच्चे अगर बड़े भी हो जाएंगे तो फिर भी जो है उनका इस तरह मेल की तरह इस तरह बॉल नहीं जल्दी से बन जाता, वो थोड़ा टाइम लगता है बॉल बनने में, तब जाके कंफर्म होता है कि मेल, लेकिन पहले ही जिन उसने रखे हुए होते हैं वो अगर मतलब उनको देखे और मतलब जो है वो चीज़ करे मतलब नोटिस करे उनको, तो फिर उसको अंदाज़ा होगा कि मेल का स्टाइल चलने का क्या होता है, अंदाज़ क्या होता है, तो उन चीज़ों से पता चलता है कि मेल फीमेल कौन से होते हैं। वैसे अब मैं किसी को नहीं बता सकूँगा कि ये जो है पिक्चर देख लें इसमें ये बच्चे हैं इसमें मेल कौन सा फीमेल कौन सी, तो इस तरह बताना मुमकिन नहीं होता, तो ये चीज़ है। तो बस यही कुछ था, ये बच्चे जो है मदद से बड़े कर रहे हैं और जो है बस होते जा रहे हैं, फिर साथ साथ और अपडेट देता रहूँगा, बीच में गन जो आपको नज़र आ रहा है उसको जो है इग्नोर करें, तो बस ये कुछ है। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथ में जो है मुझे दुआओं में याद करें और जो है याद रखें, और मुझे दें इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।